नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंसान माटी का पुतला है जिसे भगवान बनाते हैं, पर ये माटी के पुतले या माटी से भगवान गढ़ते हैं। हुगली नदी के किनारे ये कोलकाता का कुमोरतुली है। कुमोरतुली बोले तो कुम्हारों की बस्ती। यहीं बनती हैं देश की हजारों दुर्गा प्रतिमाएं, यहीं से आती हैं माँ दुर्गा सजे धजे पंडालों में। इस कुमोरतुली से जुड़ी हैं बंगाल की भावनाएं, आस्था, सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक पहचान, कला, कौशल और परंपरा के मजबूत तार। ये जो गणेश, कार्तिकेय, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, माँ दुर्गा की छोटी बड़ी, बनी, अधबनी और कुछ सजी धजी मूर्तियाँ देख रहे हैं आप, ये सब असाधारण काम इन साधारण से दिखने वाले हुनरमंदों के हुनर और मेहनत का नतीजा है। पहले लकड़ी और बांस का फ्रेम बनाना, तो उधर खास जगह से निकलने वाली चिपकने वाली इतल मिट्टी का प्रबंध करना, फिर बांस और लकड़ी के खांचे ढांचे पर पुआल लपेटना, अब लाई गई मिट्टी को तैयार करना, गूंदना, हाथ से ही नहीं पैरों से भी नहीं। अब कोठे की ड्योरी की मिट्टी इसमें मिलाई जाती, धान की भूसी जरूर मिलाते हैं। अब इस मिट्टी को लकड़ी, बांस और पुआल से बने आकार पर लपेटते हैं, इसको आकार देते हैं इस तरह कि सब कुछ साकार हो जाए। मूर्ति को सुखाना एक मुश्किल काम है, एक तो मानसून के ठीक बाद का नमी भरा समय, दूसरा जगह का कम होना। पूरा यहाँ से मोहल्ला का पूरा मूर्ति बनता 6 महीने, इतना मूर्ति इतना कम समय में नहीं हो पाता, क्योंकि बारिश भी होता है, लगातार बारिश भी होता है, बारिश की वजह से थोड़ा कम भी ठप पड़ जाता है। मूर्ति सूखती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इस इतल माटी से बनी मूर्ति पर अब लेपन होता है, बेहद महीन कड़ों वाली बेलेप माटी का। ये न केवल दरारे और दरकन की माकूल दवा है, बल्कि इससे मूर्ति में प्लास्टिक शरीर की चिकनाई और चमकदार फिनिशिंग आ जाती है। इतल के बाद बेले के इस्तेमाल की प्रक्रिया को दो माटी कहते हैं। इसके बाद होता है वो काम जिसे बहुत ही अनुभवी मूर्ति शिल्पकार ही कर सकता है, ये है माँ दुर्गा की आँख बनाना। माँ के केश मुस्लिम कारीगर बनाते हैं, रह गया अब बस रंग भरना। शानदार कपड़ों और लकदक गहनों मुकुट से माँ को सजाना, पर ये सब इतना आसान नहीं, अप्रैल से अक्टूबर हो जाता है। कुमोरतुली में दुर्गा प्रतिमाएं बनाने की परंपरा को 100 साल पार हो चुके हैं। कल्पना शक्ति, रचनात्मकता और सधे हाथों से बरसों धैर्य पूर्वक इसकी साधना के बाद ही कोई कोई कारीगर इस कला कौशल में पारंगत होता है। आज कुमोरतुली की मूर्तियां ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड जैसे दर्जन भर देशों में जाती हैं, तो इसमें यहां के हुनरमंद और समर्पित हाथों का हाथ है। लेकिन इस उत्सव के माहौल में ये बात थोड़ा निराश करती है कि इन पतली संकरी गलियों और बोसीदा मकानों में किसी तरह जिंदगी बसर करने वाले कुमोरतुली के ये कमाल के कलाकार बदहाल हैं। मूलभूत सुविधाओं से महरूम ये इलाका धीरे धीरे शहरी स्लम में बदलता जा रहा है। इनके काम का कोई बीमा नहीं। मूर्तियों के दाम में बढ़ोतरी के बावजूद इनको कोई बड़ा लाभ नहीं। मूर्ति ना बिकने पर भारी घाटा उठाने को ये मजबूर हैं। क्रेज बड़ा है, नए नए फ्लैट हो रहा है, नए नए ये बन रहा है, नए नए मोहल्ला बन रहा है, वहाँ मूर्ति जा रहा है, लेकिन उसी हिसाब से कोई यहाँ कोई ये नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बदलाव नहीं। कभी 16 एकड़ में बसे इस इलाके को आज शहरीकरण ने तंग कर दिया है। हालात ये हैं कि मूर्तियां बनने, सामान औजार रखने, बनी मूर्तियों को सहेजने और यहां तक कि इनके खाना बनाने, सोने के लिए भी जगह की किल्लत है। इस सीमित संसार में रहने वाले यहां के कलाकारों और कारीगरों के जीवन में कष्ट तो है, पर इस बात का संतोष भी कि वे जग जननी माँ को रचते हैं। शायद इसीलिए सब होने के बावजूद ये अपने चेहरे की शिकन को नुमाया नहीं होने देते, कर्म योग में लगे रहते हैं। महिषासुर मर्दिनी माँ इनका दुख हरेंगी। एनडीआई पॉकेट टीवी के लिए कोलकाता के कुमोरतुली से जयराम की रिपोर्ट। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।